सदन में बहुमत का डंडा लहराकर लोकतंत्र का गला घोटे जाने से नाराज पार्षद सुरेंद्र परिहार ने मौन व्रत रख अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं भाजपा पार्षद दल ने भी शहर विधायक की मंशा के अनुरूप एजेंडा पारित करने का आरोप लगाते हुए इस मौन व्रत का समर्थन किया। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा बुधवार को खालसा स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किए गए विशेष सम्मेलन में अपना पक्ष नहीं रखे जाने से नाराज भाजपा पार्षदों ने निगम सभापति राजेश यादव के कक्ष के सामने मौन व्रत पर बैठ गए और पार्षद शिवेंद्र परिहार का समर्थन किया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा पार्षदों सहित नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने शहर विधायक पर निशाना साधते हुए नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मिलित सभा में शहर विधायक अनुरा की मंशा अनुरूप दबाव डालकर बहुमत का डंडा चलाना बताया, तो वहीं उपस्थित पार्षदों ने भी अपनी पीड़ा बताई। गौरतलब है कि इस अवसर पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि कांग्रेसियों का बहुमत के आधार पर चर्चा किए बगैर एजेंडा पास करना लोकतंत्र का गला घोटना है। वहीं भाजपा पार्षदों ने कहा कि इस मामले को लेकर हम शहर के हर वार्ड हर गली में जाकर लोगों के बीच चर्चा करेंगे और साथ ही इसकी शिकायत शुक्रवार को संभाग आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से देंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को भाजपा पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा कल विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में जो असंवैधानिक तरीके का कृत्य किया गया, अनैतिक तरीके का कृत्य किया गया माननीय सभापति जी के द्वारा, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि माननीय सभापति जी छत्तीसगढ़ सरकार के दबाव पे काम कर रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। क्योंकि सभापति जी मेरी नज़र में बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कानून के ज्ञाता हैं, बहुत सहमी व्यक्ति हैं, पर कल का उनका व्यवहार बहुत पीड़ादायक था। किसी भी इस निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। सारे जनप्रतिनिधि जो तीन वर्षों में लगभग सिर्फ तीन सामान्य सभा हुई और सब जनप्रतिनिधि अपनी बात रखना चाहते थे, उसका अवसर नहीं दिया गया। हमारे बाकी साथियों ने आपको उस बात से अवगत कराया। मैं आपसे सिर्फ इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। आदरणीय सभापति जी और निगम की परिषद छत्तीसगढ़ सरकार की कठपुतली की तरह कार्य कर रही थी सम्मेलन में। उसके पीछे मेरा तर्क यह है कि 2019-15 अगस्त को इस छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग का जो समुदाय है उसके साथ इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा एक बहुत बड़ा छल किया गया। उस 15 अगस्त के भाषण में घोषणा की जाती है कि छत्तीसगढ़ में OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा और 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश के माध्यम से कानून लाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो आरक्षण की स्थिति थी, ST को 32%, SC को 12% और OBC को 14%, उस अध्यादेश के माध्यम से एक नियम बनाया जाता है कि आज दिनांक से OBC का आरक्षण 27% और SC का आरक्षण 13% हो जाएगा, जो कि संविधान की मंशा के विपरीत था, किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं था और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह कानून पारित नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता है। और हुआ भी वही, माननीय उच्च न्यायालय ने उनके उस आदेश पर रोक लगाया और सरकार से उसने पूछा कि आपका जो 27% आरक्षण देने का प्रावधान है उसका आधार क्या है। तब उन्होंने एक शपथ पत्र पेश किया कि हम अध्ययन करके इसका जवाब देंगे और उसके जवाब में उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक क्वांटिफाइबल डेटा आयोग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसी मात्रा जो परिणाम दे, उस आयोग का गठन करते हैं। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज CL पटेल को उसका अध्यक्ष बनाते हैं और वो अपना कार्य करता है और उस आयोग को इतना दबाव होता है कि आपको फर्जी तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करना है ताकि हम उसके समर्थन में इसको पेश कर सकें। भी मंशा थी कि हम थोड़ा बात कर पाते, लेकिन हमारी मंशा को जानने की कोशिश नहीं किया गया। ये सिर्फ 6 महीने में एक बार हमें मौका मिलता है या साल में एक बार मौका मिलता है, लेकिन ये मौका भी नहीं देना चाहते। पूरे शहर को ये स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन पूरे शहर को आप देखिए, कहीं आपको अच्छी सड़कें दिखेंगी? हम तो 5% ही सिर्फ वार्ड में रह के दोषी कहलाएंगे, लेकिन जो 95% के दोषी हैं वो हमारे यहाँ विधायक महोदय हैं, हमारे बीच महापौर जी हैं। हम सिर्फ जनता के बीच आते हैं तो हम 5% का बोलते हैं कि हमारे वार्ड में जनता पूछती है हमसे कि क्या विकास हो रहा, तो हम उनको बताते हैं ये काम हो रहा, लेकिन पूरे शहर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज आवारा पशु, जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया,
आवारा पशुओं की स्थिति वही है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बस ये बैठे हैं, हमको बात करके बस गुमराह कर देते हैं, ये काम होगा वो काम होगा, और जो इनके पास आता है अपना दादागिरी दिखाता है उसका काम ये कर देते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल विशेष सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, इसमें मात्र दो ही एजेंडे रखे गए थे। एजेंडे दोनों आर्थिक गणना और जातिगत जनगणना पर आधारित था। हमने सिर्फ सभापति इस महोदय से बहुत विनम्र भाव से खड़े होकर बोला थी कि भाई पार्षदों को भी बोलने का वक्त दिया जाए, एक घंटे का समय दे दिया जाए, आधा घंटे का समय दे दिया जाए, या कुछ पार्षदों को जितना चाहते हो दे दिया जाए समय। लेकिन लगातार सभापति महोदय के द्वारा जो भेदभाव पूर्ण रूप से दादागिरी से कि बैठो बैठो, तुम लोग को बैठोगे नहीं तो मैं कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। हम सिर्फ पार्षदों के अधिकार के लिए मांग रख रहे थे कि पार्षदों को शहर के हित के लिए बोलने का मौका दिया जाए। कल दुर्ग नगर निगम की विशेष सभा बुलाई गई थी जो सामान्य सभा होनी थी, मैं अपने पारिवारिक कारणों से उस सभा में उपस्थित नहीं रह पाया, पर कल का जो वहाँ मंजर और दृश्य देखा तो मन उद्वेलित हो गया और आज मुझे यहाँ विरोध प्रदर्शन या ये जो मौन विरोध कर रहे हैं उनका समर्थन देना आना पड़ा। ये परिषद इतिहास लिख रही है, इस बात का इतिहास लिख रही है कि इस शहर में सबसे ज़्यादा मौतें सड़कों के खराब होने के कारण इस कार्यकाल में हुई, सबसे ज़्यादा बार पानी बंद इस बार हुआ, विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में यह शहर इतिहास लिख रहा है और वो काला दिन भी देख रहा है। हम जनता के इन्हीं आवाज़ों को लेकर उस सदन में अपने रखते हैं। कल मेरे इन भाइयों के द्वारा भी वो प्रयास किया गया और 30 मिनट के अंदर माननीय सभापति महोदय के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कराकर सभा कर दी गई, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाया गया। और मैं कठपुतलियों पे बात नहीं किया करता, छत्तीसगढ़िया आदमी और छत्तीसगढ़ी में बड़ा भरोसा है।